फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। महमूद पर अच्छा बोलिए, अब आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको अच्छा लगेगा कि जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, आपसे कोई कहे कि जाओ अदालत में साबित करके आओ इनका जन्म कहाँ हुआ था, लाओ इनका आधार कार्ड लेके आओ, इनका राशन कार्ड लेके आओ, अच्छा लगेगा आपको? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई देखो अपने क्या गोदी मीडिया क्या है। धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा ही बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहाँ भी मोहल्ले में, कॉलेज में पढ़ते होगे, आसपास में गली मोहल्ले में रहते होगे, आप देखते होगे ना कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नज़र जो है वहाँ आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पर होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो। और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहाँ दीवारों पे जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन। तो अब भाई क्या कहा जा सकता है ऐसों से, तो यार आप ही लोग निपट सकते हो, आप निपट लो। पहले भी आप निपट ही रहे हो, निपटा रहे हो काफ़ी समय से, आगे भी निपटाते रहना। सनब साहब चौधरी कह रहे हैं जमीन बेचने वाले को अच्छा जवाब दिया और टिकाई से दिया। भाई मैं टिकाई से क्या, सिकाई से भी दे देता, सामने रहता तो मैं झुकेगा नहीं। आप कोई भी चीज यानी कि राजनीतिक नफे नुकसान के बगैर आप कोई चीज नहीं सोचते। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। मैं मान लू इस बात को, इसमें राजनीति है, ये राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। आप घर पे आए किसी आदमी को दो रोटी भी खिलाते हैं तो यही सोच के खिलाते होंगे कि कल को इससे वोट मांग लूंगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये लोग तो यही करते हैं, ये लोग तो यही करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये लोग यही करते हैं, अपना बताइए ना सर। दूसरे की ठेकेदारी सबकी आपके पास है, अपना नहीं बता पाते आप। हम तो झेलने वाले हैं, हम तो झेलने वाले हैं 1986 से आज तक जितने फिसादात आप झेलने वाले हैं। कल आप कह रहे थे कि मैं इस देश में प्रधानमंत्री डिसाइड करता हूँ, मैं किंग मेकर हूँ, इसलिए बिहार का सीएम मैं डिसाइड करूंगा। अब आप झेलने वाले हो गए, ये फंस गया सीएम। और 50 लाख लोग विजिट कर चुके हैं कैंप पे, उनमें ये बताया जा रहा है लोगों को कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं से अच्छा। हमारे जो सिटीजन है कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं, लोगों को इनरोल किया जा रहा है। पिछले आज 10वां दिन है उस प्रोग्राम का, बता रहे कि नहीं कि केंद्र की कौन कौन सी है जो हम तुम तक पहुँचने नहीं देते। सुधांशु जी ने कहा के तृणमूल के नेता ने कह दिया मनी पाकिस्तान को उठा के, एक सवाल ये है तो क्या उन्होंने नहीं कहा था नेता जो क्या उन नेताओं का ये कहना नहीं, उस नेता का ये कहना नहीं था पहली चीज। दूसरा तो आसिफ खान पिछली बार भी आप आए थे, आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम जीत जाएंगे तो लोगों से गुजराती बुलवाएंगे। सर मतलब आप वकील हैं, कम से कम वकील जैसी कोई दलील तो दिया कीजिए ना, अच्छा लगेगा लोगों को सुनने में, वरना जो आप कर रहे हैं उसको थेथरे ही कहते हैं इधर उत्तर भारत। जितने लोगों से अभी तक सवाल हुए मैंने किसी से उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल पूछा हो तो बता दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कभी कभी सर आप असल में उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपका अपना एजेंडा है कोई, या तो लगता है इसलिए आप बार बार उस चीज को लाना चाह रहे हैं चर्चा में। मैं तो केवल इस बात पे हूँ कि भाई जब कोरोना फैला हुआ है 25% केस आपके यहाँ है, क्या मंदिर खोल सकते हैं? आप उसमें उद्धव ठाकरे को ले आ रहे हैं, आप उसमें हिंदुत्व को ला रहे हैं, आप उसमें सेक्युलरिज्म को ला रहे हैं। बिना उद्धव ठाकरे के ये बात कैसे हो सकती है? तो मैंने राज्यपाल महोदय, मैंने तो सरकार महोदय क्यों सर, जो सरकार का हिस्सा है पार्टी एनसीपी, उसके प्रवक्ता तक से नहीं पूछा कि उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर आपको शक होता है कि नहीं, उसका टेस्ट कराने की जरूरत है कि नहीं? ये पूरी की पूरी कोशिश उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी साबित करने की, ये एजेंडा है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। और ये एजेंडा ही अपने आप में गलत है। मैं कहता हूँ की आप भगवान का नाम ले रहे हैं बैठ के। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।
अब आपको हदीसें सुननी है तो यहाँ मेरे साथ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो हदीसें भी सुना देंगे आपको और फिर आप फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि वो जितनी हदीसें सुनाएंगे आपको भी कईयों के मतलब नहीं आते होंगे। इसलिए मसला एक दूसरे की टेस्टिंग का नहीं है ना तस्लीम रहमानी, अगर आपको उनकी बात सूट नहीं कर रही है तो आप ये कहेंगे कि हदीस सुनाओ। अभी मौलाना सुफिया निजामी हदीस सुना देंगे चार दिन का, आपको मतलब नहीं पता होगा फिर क्या कहिएगा? यह है कि केवल हदीसे पढ़ा के काम चल सकता है क्या? केवल हदीसे पढ़ाने के लिए मदरसे चलाने चाहिए? नहीं। अरे भाई आप जवाब मुझे नहीं है आपको। आज ये सवाल नहीं है कि क्या पढ़ा है मदरसों में। सारे सवाल और सारे जवाब आप पहले से तय करके बैठे हैं तो इम्तिहान में जाते क्यों हैं तस्लीम रहमानी? जब सारे सवाल आपके पास पहले से हैं, सारे जवाब आपने तय कर रखे हैं कि यही छापने हैं, तो फिर इम्तिहान में बैठते क्यों हैं? अपनी डिग्री मान लीजिए स्वयंभू कि मैं पास हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ। गजब बेइज्जती है भाई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।